चलो भाई, जल महल भी कवर कर लिया है, अब जा रहे हैं आगे नहरगढ़, उसमें देखते हैं क्या बनता है। भाई गॉड, गर्मी बहुत ही ज़्यादा है बाहर, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। एक वेल है यहाँ पे, बारिश का पानी स्टोर होता था और यहाँ पे अलग अलग चैनल्स बने हैं जहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट होता था पूरे के पूरे नहरगढ़ फोर्ट में। भाई ये देख लो, यहाँ पे सारा बारिश का पानी स्टोर होगा और यहाँ पे चैनल्स बने हुए थे। ये अब पाइप मुझे पता नहीं अब बने नहीं बने, यहाँ से पूरे नहरगढ़ फोर्ट को पानी जाता था। एंड आई गेस तो भाई काफ़ी ज़्यादा पूरी सीढ़ियाँ भी मतलब सेडिमेंटेशन दिख रही है। वो नीचे जा सकते हैं हम? अभी हम जस्ट एंट्रेंस पे हैं। ये जो राजा है उसी का घर था अपेरेंटली, और यहाँ पे 10 बेडरूम्स हैं और कॉन्सिक्यूटली 10 वॉशरूम्स एंड एवरीथिंग। और ये राजा का पर्सनली था, यहाँ पे राजा अपनी 9 बीवियों के साथ आता था। और राजा का नाम है श्री माधवेंद्र, नहीं नहीं महाराजा सवाई माधो सिंह 2, 1988 टू 1992। और जो ये सारे आए हैं ना, इनमें किसी के बस की नहीं है इतना पढ़ना, मैं नहीं पढ़ा है बस। भाई यहाँ पे राजा का एक गलियारा भी है वहीं पे, उम्मा गारंटी यही गलियारा। फूल वाले कहीं लाए थे? फूल वाले कहीं नहीं लाए थे। हाँ तो फोटो सही है ये काफ़ी। भाई ये एक बेडरूम है मेरे हिसाब से, वो छोटे कमरे हैं, राजा को छुपना भी तो पड़ता ना, इधर से दूसरी रानी आती थी इधर से भाग जाता था राजा। भाई यहाँ पे ना वो है टर्किश वॉशरूम है यहाँ पे है? मतलब एक बाथ टब होगा, उस पर चार कोने बैठने की जगह होगी। ठीक है भाई, हम नाएंगे यहाँ टर्किश होंगे। सीढ़ी कहाँ है ऊपर जाने की? पहली बार देखा मैंने ऐसा मामला, छत से पानी निकालने के लिए। अभी वो टेरेस का है रास्ता, एक बार नीचे का देख लेते हैं। तो यहाँ से पूरी जयपुर सिटी का व्यू है। हाँ ये यादों का ही है सफर, तू भी चुन ले मुझे हम सफर, है खुदा मेहरबान जो अगर खिल ही जाएगा दिल का नगर। हाँ ये यादों का ही है सफर, तू भी चुन ले। चलेगी भाई चलेगी, बोतल इधर दे दे, यहाँ तोप पे भी रखी हुई है। वो भी अकबर के साथ लड़ा था, वो अकबर के साथ लगा था, सारा माल ये लाता था और साम्राज्य उसका। और चित्तौड़ वाले राजा वो थे, स्वाभिमानी तो वो थे, वो तो अंकल मैं तो राणा प्रताप छोड़ के हुए राणा रतन सिंह, उनका तो जोहर मूवी देखी है वो वाली, अभी जो रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पद्मावत। इनकी कोई कहानी नहीं है कोई विशेष, चित्तौड़ भी जाने कहाँ पे है? चित्तौड़ से जाने के चित्तौड़ अपने यहाँ से पड़ेगा, आई थिंक वो तो एंड में ही पड़ता है अंकल, है ना? वो 200-250 किलोमीटर कम से कम। अच्छा है, बट यहाँ पे तो फिर एक तरीके से हमने टाइम वेस्ट किया, बट चलो जयगढ़ चले। फोटो आ गई हमारी, बोला 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 बोल। यहाँ पे वो नौ रानियों के साथ मजे करता था, अपनी बेटी की शादी उसने अकबर से कर दी ताकि वो जंग में बचा रहे, मतलब फाइट नहीं की इस राजा ने, तो क्यों होगा यहाँ पे जो मैं बचा रहा हूँ एक तरीके से सेफ रहने के लिए, अपनी लड़की की शादी अकबर के घर में कर। तो जोधा वाले हैं ये लड़की अकबर के, बट खिलजी और ये चित्तौड़ में है सब कुछ ना, ये वाला जो जौहर हुआ था पद्मावत मूवी वाला, अय्याश राजा थे यहाँ के। हाँ उन्होंने बोला अय्याश, कह रहे किसी लड़ाई में नहीं आई, रानी होगी वो अय्याश ही होगा, कोई राजा थोड़ी होगा। फिर उस टाइम पे सबकी होती थी, इतनी थोड़ी होती। अरे आशिका ये जो हमारे वो वाले, वो भी वो सिर्फ दीपिका पादुकोण को पसंद कर लिया था उन्होंने, वो एक उस पे गए थे हंट पे, पसंद आ गई वो ना, एक वो था कि कोई ना पर्ल जैसी उसके फेस पे वो था ब्राइटनेस दीपिका पादुकोण की, तो उन्होंने शादी कर ली थी। बस दो रानियाँ, नहीं तो उनकी एक ही वाइफ थी स्टार्टिंग से, वही तो अंग्रेज बोले कह रहे वो थे चित्तौड़ के राजा जो सब फाइट में, ये तो सारे पीछे हट गए थे उस टाइम, ये वाले राजा लड़ाई में नहीं गए। कौन सी फाइट की बात कर रहे हैं? अरे जो अकबर के साथ। यहाँ पे हमें बारिश होती दिख रही है, इतना सही भी है यहाँ पे।
बारिश हो रही है और वहाँ पे बारिश हो रही दिख रही है। मेरे दिल नाले लारे नी तू लाउन वाली है दिल तेरा जदों टुटूगा ता पता लगूगा।